तो गई उसके बाद है ना, फिर भैया है ना हमें छोड़ने आए थे बाहर तक, और है ना डोलू ठीक थी तब, ऐसा वो नहीं था, ठीक थी। उसके बाद है ना हम लोग है ना इटौरा के लिए निकल गए थे, और मौसम तो देखिए गाइस इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था उस दिन, और बारिश भी हल्की हल्की हो गई थी, और सड़क पूरी ऐसे लग रहा था चिपचिपा रही है, मतलब पानी पानी सा ऐसे दिख रहा था, यहाँ पे इतना नहीं दिख रहा। अब वहाँ पे जब हम रास्ते में थे ना सेवला साइड में, वहाँ ज़्यादा था। तो यहाँ से फिर हम निकल गए थे गाइस, और हमने सोचा कि टाइम से है ना धौलपुर पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम भैया के यहाँ थोड़ी देरी रुके थे, मुश्किल से आधा घंटे ही रुके थे, फिर हम निकल गए। 10 रुपये 10 रुपये ए नमक लगा देना लाला, नमक लेके आए होंगे सब, नहीं नमक डाल के बेचते क्या दिला ली भैया। शिवालय याद आ रहा है, शिवालय घाट याद आ रहा है बनारस का। आई लव माई अमरूद, वो भी है ना मुझे गाजर के हलुआ का भी अपना अलग टेस्ट है, पता है घी तो जैसे का हलुआ में उधर रेडू एंजॉय करो लाइफ को गाइस। अमरूद तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गाइस, मिर्ची भी डाली है। डैडू कह रहे हैं कि गाजर का हलवा खा के आइए, फिर भी अमरूद की माल पानी खा के आ रहे हैं। अरे तो माल पानी की अलग बात है, इसकी अलग बात है। लाइफ को फन की तरह जियो, गानों की तरह। आपको अमरूद पसंद है ना, तो मैं अमरूद लगा दूंगा उधर। गाइस इसके बाद फिर है ना भैया का फ़ोन आ गया था, तो फिर हम वापस घर आ गए थे, और फिर डोलू को और भैया आ गए थे, मतलब ठंडा मौसम था ना, तो फिर हम लोग है ना डोलू को, मैंने कहा भैया बोले थे दिखा लाएंगे, तो यहाँ पे डोलू देखिए बैठी हुई है, पूरी पैक होके आई है वो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, इसकी वजह से भैया बोल रहे थे कि कार में बैठ के वो चली जाएगी ना तो ठंडा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए गाइस ये किले साइड है, मतलब आगरा में जो लाल किला है ना उस साइड, डोलू का डोलू इधर दिखा डोलू। तो गाइस हम लोग है ना चले गए थे, मतलब मंजू दीदी के घर, मतलब वापस है ना हम धौलपुर के लिए निकल रहे थे, फिर भैया का फोन आया, खाली कर दूं, खाली। तो फिर हम वापस फिर लौट के आए, हम डोलू से मिलने आए थे, मम्मी से मिलने आए थे, और फिर अब वापस फिर भैया बोला कि डोलू को दिखा के लेके आना है, तो फिर डोलू को दिखाने आए। तो यहाँ पे ये देखिए, देख सकते हैं आप, डोलू को भूख लगी है, जो डॉक्टर ने बोला ना डोलू के लिए वही भैया है ना उसे दे रहे दूध और ब्रेड के लिए बोला है, दूध ब्रेड दलिया चाय, दलिया चाय रोटी मना है भाई साहब, रोटी मना है डोलू के लिए, गोलगप्पे मना है। तो भैया है ना डोलू के लिए ये बनवा के लेके आए हैं, और लेकिन डोलू है ना डोलू ब्रेड और वो खा रहे हैं, डोलू को भूख लग रही है गाइस। और इस समय देखिए हम मैं आपको दिखा सकती हूँ, लो मैं सो भी लो नहीं तुम। तो ये देखिए गाइस इस समय हम कहाँ पर हैं, हॉस्पिटल के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर हैं, और चाय पार्टी है। यहाँ पे ये देखिए मामू लेके आ रहे हैं, ये देखिए भैया लेके आ रहे हैं, लेकिन वीडियो में तो सिर्फ ही और लवांश को दिखी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोलू को भूख लगी थी ना, ये कह रहा है कि मतलब लवान सी दिखेगी, तो ये देखिए गाइस चाय डोलू करी थी।
चाय का मजा। मैंने कहीं भी नहीं सब पता है नियम। वो आप खा लो। नहीं बेटा मैं नहीं खा रही। लबके पापा और मामू खड़े हैं वहाँ। क्या आएंगे? गाजर का हलवा। गाजर का हलवा और पकोड़े खा के आएंगे। मैं कार के अंदर बैठ जाऊँ। सब जा रहे हैं वापस डोलू को लेके। डॉक्टर ने बोल दी डोलू ठीक है बिल्कुल। देखो बगल में हमारे वो है क्या कहते हैं दूध और ब्रेड की चाय की बोला है डॉक्टर ने। रोटी की मना है जाते ही ब्रेड पे टूट पड़ेगी दूध और ब्रेड पे। गरम करके रखी हो आने बजे हम यहाँ किले पे आ गए। मेट्रो स्टेशन किले पे आ गए गरम करके नीचे आ जाए। सुरभि सुरभि को नीचे बुला लो। हाँ सुरभि को नीचे बुला। हेलो हाँ वो जा रही है। तो कैसे देख रहे हो मेट्रो स्टेशन आ गया। वरना वो जो है खिचड़ी पावर ऑफ योगी जी पूरे आर्मी से ढका हुआ है पूरा। हम शेयर के रहने वाले हैं आर्मी के। देखो गाइस इधर भी इधर इधर आर्मी। और देखो गाइस देखो आर्मी के पास गन है। देखो 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 गन दिखी आपको। खुला हो तो लाला तो बोल देते। और ये पूरा मिलिट्री बेस है। पूरा मिलिट्री बेस जैसे जीटीए में होता है। तो यहाँ पे मैं बता दूंगा इसकी यहाँ पे भैया और डोलू को ना अपने घर के मतलब घर के बाहर छोड़ दिया था घर के पास ही। और सुरभि को मतलब नीचे ही बुला लिया था कि सुरभि आ जा क्योंकि उतना टाइम नहीं था घर पे जाने का। और शाम के 4:45 करीब बज गए थे और लेट तो हो गए थे। और धौलपुर भी निकलना था और इटौरा भी हमें जाना था क्योंकि मेरी भांजी थी वहाँ पे तो उनको हमें लेके जाना था अपने साथ में। तो इसलिए फिर हमें दोबारा जाना पड़ा था अपनी ननंद के यहाँ। वरना वैसे हम सीधे ही निकल जाते। तो यहाँ पे जब पहुँचे ना तो सभी लोग है ना कैसेट देख रहे थे मेरे जेठ जी की शादी की। तो यहाँ पे सभी जो मेरी ससुराल की फैमिली है ना उन्हीं को देख के फिर लबके पापा भी है ना बैठ गए थे। और वो भी अपने पुराने दिनों को याद करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और होता है ना कभी जब हम अपनी पुरानी टाइम के फ़ोटो देखें या कैसेट वगैरह देखते हैं तो फिर लगता है कि हम उस समय कैसे लग रहे थे कैसे थे। तो वही सब देख देख के मतलब हंस रहे थे। तो यहाँ पर ये मेरी सासू माँ आए हैं। और इस तरह से फिर उसके बाद हमने खाना वाना भी खाया था। और इसके बाद फिर हम निकल के आ गए थे। तो यहाँ पे वही लब के पापा ने लब से बोला कि लब तू ले ले थोड़ी बहुत यहाँ पे। तो वही क्लिप ले ली थी लब ने। तो इसके बाद गाइस ये देखिए मुझे नहीं मालूम पर लेकिन लब के पापा ने बोला कि हमारा जो व्लॉग है ना सभी लोग देखते हैं तो तू है ना इसको ना कट मत करना पूरी की पूरी ले लेना। तो यहाँ पे बता दूँ कि ये मेरी छोटी वाली ननद है जो सूट पहने हुए हैं ग्रीन वाला। और दोनों साइड जो ग्रीन फ्रॉक पहने हुई हैं वो मेरी भांजियाँ हैं। एक बड़ी भांजी छोटी भांजी गीता नीलम। तो यहाँ पे देखो संजू दीदी कैसे है ना ब्रेक डांस में लगी हुई हैं। पहले उस समय गाइस ब्रेक डांस का क्रेज़ बहुत ज़्यादा था। ला इसकी कीमत नहीं है। इसकी कीमत नहीं है चाहे तो कोई नहीं उड़ लिया।
तो सुरभि कह रही गाइस कि लाली को घर पे ले जाएं और ये पता नहीं ये जो ली है छोटी सी है, छोटी सी बाबू थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना एक डेढ़ साल की। अरे बाय बाय बाय, इसके पंजिया को फोड़ लो गाइस। हेलो गाइस, जरूरत तो पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं बता दूँ गाइस कि ये मंजू दीदी जो डब्बे दे रही है ना, तो वो मुझे बता रही थी कि किन किन को देने हैं और बोल रही थी कि तुम भी ले लेना इस तरह से। और यहाँ पे मामा जी के लिए भी उन्होंने रख दिया था, मम्मी के लिए भी अलग से उन्होंने रखा था मंजू दीदी ने, तो वही मुझे बता रही थी। और इसके बाद गाइस मैं बता दूँ कि हम लोगों मतलब होता है ना हम लोगों की तरफ से, तो वो भी हमने मंजू दीदी और मंजू दीदी की फैमिली के सभी मतलब को दे दिया था, तो वो क्लिप मैंने नहीं ली है। तो यहाँ पे और बस यहाँ पे बस विदाई का टाइम आ गया था गाइस, तो सभी मतलब विदा हो रहे थे। तो यहाँ पे मैं ये मामी जी की है ना बड़ी दीदी है जो मैंने आपको बताया था, और ये मेरे भांजे हैं, और जो और भी लोग थे ना, तो हम जब चली गई थी ना घर में चली गई थी, तब वो लोग सब निकल गए थे। और यहाँ पे हम अपनी भांजी को साथ में ले लेंगे, तो वही बोल रही थी कि माई मुझे है ना घर पहुँचना था और मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि अंधेरा हो गया, देर हो जाएगी। तो वही मैंने कहा आज रुक जाना, सुबह चले जाना। और यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि मतलब योगिता को कोई छोड़ ही नहीं रहा था, बच्चे एकदम तो सभी लोग कह रहे थे कि तुम लोग है ना ऐसा नहीं हो कि छोटे बच्चे की गर्दन वगैरह होती है ना तो उसी का हिलने का डर रहता है। तो यहाँ पे तो सुरभि तो गाइस दीवानी हो गई है लाली की, योग्यता की, तो उसे तो बहुत अच्छे लगते हैं छोटे बच्चे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ गाइस हम लोग निकल गए थे, और ये जो भी देना था मंजू दीदी ने गीता को, जो मेरी भांजी है ना उनको भी है ना, क्योंकि वो मंजू दीदी के बड़े बेटे की शादी में आ नहीं पाई थी, तो फिर उनको जो पहला भी दे दिया था और अब का भी जो भी था वो भी दे दिया था इस तरह से। बस हम लोग है ना फिर निकल ही आए थे। बाय, हैव अ नाइस डे, नाइट लाइट, जय धक्का वाला, हाय दे, जय श्री राम, जय श्री राम, हरे की सारी की जय। बस बस जा तू जा, अरे जा, हम निकले अपनी गड्डी लेके रास्ते में एक मोड़। तो गाइस बस निकल जाएंगे अब धौलपुर के लिए, और फिर इससे आगे की जो भी वीडियो होगी फिर आपके साथ शेयर करूंगी। और आपका प्यार आपका साथ बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, ऐसे ही बनी रहिए मेरे वीडियो में। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।